हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट क्वीन दीप्स। और आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम हेयर को ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभिषेक निगम की फ़ोटो पहले से ही बना रखी है, लेकिन हेयर को नहीं बना, अब बना रही हूँ हेयर को, क्योंकि ये हेयर का ही ट्यूटोरियल है। तो पहले आप ब्रश से, चारकोल पाउडर से थोड़ा थोड़ा करके पूरा हेयर को कवर कर लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए पूरे हेयर को, ताकि वो थोड़ा आपको कम काम करना पड़े, इसके ऊपर थोड़ा डिटेलिंग कम करना पड़े। फिर आप पेंसिल से उसमें आउटलाइन बना लीजिए, जो रेफरेंस पिक है उसको देख के आउटलाइन को अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि उसी के ऊपर आपकी पूरा आर्ट डिपेंड करेगा, कहाँ कहाँ पे आप स्ट्रोक लगाइए, पूरा का पूरा आर्ट आउटलाइन में ही डिपेंड करेगा। देख के आउटलाइन बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अप्सरा की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ किया है। मैं हेयर्स के लिए चारकोल पेंसिल यूज़ करती हूँ, सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा डार्क है। और पूरी फेस को मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया है, हेयर्स में चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, कि सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का अप्सरा की। तो मैं सबके पास सॉरी बोल लेती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ, मेरे बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ हो रहा है उसके लिए, बस आप ट्यूटोरियल में ध्यान दीजिए ज़्यादा। और बात को ध्यान में रखिए, आपकी जो हाथ है वो पूरे ड्राइंग में, ड्राइंग की कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा ड्राइंग बिगड़ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटलाइन कंप्लीट हो गया। तो आप रेफरेंस पिक्चर से देख के आपको वो डार्क एरियाज पहले कलर कर लेना है, जहाँ पे रेफरेंस पिक्चर में हेयर के नीचे ज़्यादा शेडोज है वगैरह, ज़्यादा डार्क एरियाज को आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से पहले उसे कवर करने ला। असली टाइम आउट की वीडियो है तो टाइम तो लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, इसलिए म्यूज़िक भी डाल दिया। पूरा वीडियो देख लेना, वरना सीख नहीं पाओगे आप ठीक से। आपको डार्क स्ट्रोक्स देना है उसी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से, अच्छे से चारकोल पेंसिल को आप शार्प कर सकते हैं, फिर स्ट्रोक लगा सकते हैं, क्योंकि तब स्ट्रोक्स अच्छा होगा। अब सारे चारकोल जो पाउडर घिसने से तैयार हुआ है उसमें, उसे आपको ब्लेंड करना है ब्रश से अच्छे से, पूरा हेयर को फिर एक ग्रे वाला इफेक्ट मिलेगा, उसे आपको लाना होगा ब्लेंड करके ब्रश से,
क्योंकि ये फर्स्ट लेयर ऑफ हेयर है। इस लेयर को कंप्लीट करने के बाद ही आप सेकेंड लेयर में जा सकते हैं, तो अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। हेयर में ब्लेंड करने के बाद आपको हेयर के नीचे जो फोरहेड का पार्ट आता है, जिसमें ज़्यादा शेडोज़ आती है, वहाँ पे आपको शेडोज़ को ब्लेंड कर देना है उसी ब्रश से, क्योंकि उस ब्रश में ऑलरेडी चारकोल पाउडर है, तो उसी से काम हो जाएगा। नीचे आपको अच्छे से शेडोज़ बना लेना है। मैं तो भूल ही गई थी बोलने में, आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आने वाला है फ्यूचर में। अभी तो एक लड़के की हेयर कैसे ड्रॉ करनी है इसका ट्यूटोरियल, इसके बाद लड़की की हेयर कैसे ड्रॉ करनी है उसका ट्यूटोरियल भी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। ड्रॉइंग कम्प्लीट होते ही आ जाएगा। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ओके, तो अब मैं अप्सरा की चारकोल पेंसिल की जो मीडियम वाला शेड पेंसिल है शेड, उसको यूज़ कर रही हूँ हेयर के थोड़ा डिटेलिंग में स्ट्रोक्स देने के लिए। तो ये सॉफ्ट पेंसिल से थोड़ा कम डार्क होता है, इसलिए इससे अच्छा स्ट्रोक्स बनता है। तो बन गया वो स्ट्रोक। ब्लेंडिंग के बाद हमें टोमो मोनो ज़ीरो इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा हाइलाइट्स के लिए। बालों में हाइलाइट्स करना भी ज़रूरत है, नहीं तो वो रियल नहीं लगेगा, रियलिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप ख़रीद भी सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। मैंने तो घर में ही बना लिया, सेविंग्स हो गया। घर में आप बहुत ही आसानी से ये बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई खाली पेन की रिफिल हो तो उसमें उसकी शेप में आप ऐसे भी नॉर्मल इरेजर से कट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो चलिए इस पिक्चर को, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अभिषेक निगम ने भी इस पिक्चर को बहुत पसंद किया है, आप भी पसंद करेंगे हो। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, बाय।